दोस्तों वीवो ने कई दिनों के वेट करवाने के बाद जो है आज के डेट में वीवो T2X को लॉन्च कर दिया इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों इसी के बारे में अभी जानने वाले हैं। और दोस्तों आज के डेट में ये लॉन्च हुआ है और दोस्तों इसका पूरा प्राइस निकल के आ चुका है बाहर। और दोस्तों क्या कुछ इसका एस्पेक्ट होने वाला है, कब से अब कहां से परचेज कर पाएंगे, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है ये किस तरह का फोन है, कैसा फोन है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो दोस्तों हमारे कई सारे दोस्त होते हैं कि आधा वीडियो देख के चले जाते हैं और दोस्तों वो फोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर बाद में कमेंट करते हैं भैया आपके कहने पे हमने फोन लिया था और प्रॉब्लम आ गया। इसलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते आज का वीडियो स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं कुमार पंकज टेक। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले वीवो T2X के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसका स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं, क्या कुछ इसका स्पेक्स होने वाला है, उसके बाद जानेंगे क्या कुछ प्राइस होने वाला है और कब से सेल स्टार्ट होने वाला है और कब से आप परचेज कर पाइएगा। तो सबसे पहले इसका डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको 6.58 इंच का फुल HD प्लस वाला IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जिसका रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60Hz आपको रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। और दोस्तों सामने के साइड कैमरे की बात करें तो ये आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल इसके साथ मिलने वाला है, जो कि आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। और दोस्तों सेल्फी कैमरा नॉर्मल फोन है इसलिए नॉर्मल कैमरा आपको दिया जाता है। और दोस्तों बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आपको डबल कैमरा मिलने वाला है, जो कि आपको प्राइमरी कैमरा आपको मिलने वाला है 50 मेगापिक्सल का, और सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो ये आपको 2 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों मान के चल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा इसमें दिया गया है। तो दोस्तों ये दूसरा कैमरा जो कोई यूज करने का नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करें तो इसमें आपको 5000mAh का बैटरी मिलने वाला है, साथ ही आपको 18W का सुपर फास्ट चार्जर भी मिलने वाला है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ होने वाला है। और दोस्तों आगे की बात करें इनका प्रोसेसर के बारे में तो प्रोसेसर आपको मीडियाटेक की तरफ से दिया जाता है Dimensity 6020 का, जो कि 5G सपोर्ट करता है, इसलिए दोस्तों ये फोन भी 5G हो जाता है। और दोस्तों आगे की बात करें तो इसमें आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm जैक भी आपको मिल जाता है, साथ ही डबल सिम कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। एंड आपको ये फोन जो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात। दोस्तों ये था फोन के पूरे एस्पेक्ट्स की कहानी वीवो T2X की। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनका प्राइस पॉइंट की, क्या कुछ इनका प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है इंडियन मार्केट में। आपको 4GB 128GB में मिलने वाला है और 6GB 128GB 8GB 128GB में, जिनका प्राइस की बात करें 4GB 128GB का आपको 13,000 पड़ने वाला है, यानी कि 12,999 रुपए। और दोस्तों 6GB RAM 128GB इंटरनल के साथ जो आने वाला है इसका 13,999 रुपए, यानी कि 14,000 पड़ने वाला है। और दोस्तों 8GB RAM 128GB इंटरनल के साथ जो आने वाला है इसमें आपको जो है 15,999 रुपए, यानी कि 16,000 पड़ने वाला है। बात यहीं पे खत्म नहीं होता है, यहाँ पे आपको बैंक ऑफर्स भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर दोस्तों बैंक ऑफर्स अगर लगा के आप परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए 4GB 128GB का आपको 11,999 रुपए, यानी कि 12,000 मिलने वाला है। और दोस्तों 13,000 में आपको 6GB 128GB में मिल जाएगा। अगर आप 8GB 128GB में जाते हैं तो आपको ये जो है 15,000 में मिल जाएगा, यानी कि 1,000 रुपया हर फोन में आपको छूट दिया जा रहा है। तो दोस्तों इतना प्राइस तक में अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं। सबसे पहले आप जान लेते हैं कहां से और कब से परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों 21 अप्रैल से आप कहीं से भी आप ले सकते हैं, अगर चाहे तो आप अपने दुकान आसपास के दुकान वगैरह से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वीवो के वेबसाइट से जाके ले सकते हैं, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इतना प्राइस में, यानी कि अगर कार्ड अगर यूज करते हैं तो 12,000, 13,000 और 14,000 तक में ये फोन मिल जाता है आपको। अगर आपको लगता है कि वीवो का ही लेना चाहिए फोन तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है। इतना अच्छा स्पेक्स आपको मिल जाता है, कैमरा वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाता है। दोस्तों नॉर्मल फोन है इसलिए दोस्तों इसको आप लेना चाहे तो आप ले सकते, कोई तरह का किंतु परंतु नहीं होने वाला है, बहुत ही अच्छा फोन हमें लगा इस एस्पेक्ट पे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया जो भी हम आपको जानकारी देना चाहते थे वीवो T2X से रिकॉर्डिंग, तो आपको समझ में आ गया। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।